साथियों, सड़कों के अभाव में तो इस क्षेत्र में पढ़ाई भी मुश्किल थी। अनेक बेटियों को तो स्कूल इसलिए छुड़वा दिया जाता था क्योंकि दूर पैदल जाना पड़ता था। इसलिए आज एक तरह हम गांव के पास ही अच्छी डिस्पेंसरी बना रहे हैं, वेलनेस सेंटर बना रहे हैं, तो वहीं पर जिले में मेडिकल कॉलेज भी खोल रहे हैं। सर, जब हम वैक्सीनेशन का अभियान चला रहे थे तो मेरे दिल में सांप था कि हिमाचल में टूरिज्म को कोई रुकावट ना आए, इसलिए सबसे पहले हिमाचल का वैक्सीनेशन का काम तेजी से बढ़ाना चाहिए और राज्यों में बाद में किया, हिमाचल में वैक्सीनेशन सबसे पहले पूरा किया। और मैं जयराम जी और उनकी सरकार को बधाई देता हूं कि आपकी जिंदगी के लिए उन्होंने रात दिन मेहनत की। भाइयों, आज डबल इंजन सरकार की कोशिश ये भी है कि हर गांव तक पक्की सड़क तेजी से पहुंचे। आप सोचिए, 2014 से पहले के 8 वर्षों में हिमाचल में 7000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई गई थी। आप बताएंगे, मैं बोलूंगा याद रखोगे, 7000 किलोमीटर सड़कें कितनी? 7000 कितनी? आज और उस समय खर्च कितना किया था? 1800 करोड़, 1800 करोड़ खर्च किया। अब देखिए 7000, और यहां देखिए हमने 8 वर्ष में, ये मैं आजादी के बाद कहता हूं 7000, हमने 8 वर्ष में अब तक 12000 किलोमीटर लंबी गांव की सड़कें बनाई है और 5000 करोड़ रुपए की लागत से आपके जीवन को बदलने के लिए जी जान से कोशिश की है भाई। यानी पहले के मुकाबले करीब करीब 2 गुने से ज्यादा सड़कें बनी है, 2 गुने से भी ज्यादा हिमाचल की सड़कों पर निवेश किया गया है। हिमाचल के सैकड़ों गांव पहली बार सड़कों से जुड़े हैं। आज जो योजना शुरू हुई है इससे भी 3000 किलोमीटर की सड़कें गांवों में नई बनेगी। इसका सबसे अधिक लाभ चंबा और दूसरे जनजातीय क्षेत्रों के गांवों में होगा। चंबा के अनेक क्षेत्रों को अटल टनल का भी बहुत अधिक लाभ मिल रहा है। इससे क्षेत्र साल भर बाकी देश से जुड़े रहे हैं। इसी प्रकार केंद्र सरकार की विशेष पर्वतमाला योजना आपने बजट में घोषित किया था, देखा होगा। इसके तहत चंबा सहित कांगड़ा, बिलासपुर, सिरमौर, कुल्लू जिलों में रोपवे का नेटवर्क भी बनाया जा रहा है। इससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को दोनों को बहुत लाभ मिलेगा, बहुत सुविधा होगी।